Dear students, we are going to discuss admission of partner by bonus system. पार्टनर्स को भी मिल सकता है और बोनस न्यू पार्टनर को भी मिल सकता है, नए आने वाले पार्टनर को भी मिल सकता है। हाँ, पहले ओल्ड पार्टनर्स को देखते हैं कि किस तरह से होता है बोनस ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि सपोज करें कि ए की कैपिटल है 50,000। क्वेश्चन में कुछ भी हो, हम फौरन कैपिटल्स की तरफ जाते हैं और बी की कैपिटल 60,000 है। मिस्टर सी को हमने एडमिट किया है, न्यू पार्टनर है और वो ला रहा है 1,00,000 फॉर 1/3 शेयर, फॉर 1/3 शेयर, 1/3 के लिए वो 1,00,000 रुपया ला रहा है। हम बिजनेस को हमेशा वन समझते हैं, बिजनेस को हमेशा वन समझते हैं। नया पार्टनर का हिस्सा है, नए पार्टनर का हिस्सा है 1/3, तो पुरानों का होगा 2/3। ये बात ज़हन में रखिएगा, जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में भी काम आती है, परचेजिंग में भी काम आती है, बोनस में भी काम आएगी और गुडविल में भी काम आएगी। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स का टोटल करेंगे। ए की कैपिटल है 50,000, बीस कैपिटल है 60,000, सीज इन्वेस्टमेंट 1,00,000, टोटल हो गया 2,10,000। अब ये जो आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है, तो सीज कैपिटल होगी 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 70,000।
इसकी कैपिटल बनेगी 70,000। ये ला रहा है 1 lakh। इसको मिल रहा है 70,000। बाकी जो 30,000 ये ज्यादा ला रहा है वो है बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। ये 30,000 हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन या रेशो नहीं दिया गया है। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जहां पर कोई भी कंडीशन या रेशो नहीं दिया गया हो वहां पर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 30,000 में जो ए का बोनस है, ए शेयर इन बोनस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 15,000। 20 शेयर इन बोनस 30,000 इंटू 1/2 15,000। ये बोनस का शेयरिंग हो गई। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे जिसमें कैश डेबिट हुआ है 1 lakh से, क्योंकि कैश आपके पास सी कैश लाया है 1 lakh। उसमें एज कैपिटल 15,000 क्योंकि ए को बोनस मिल रहा है, 20 कैपिटल 15,000, सी कैपिटल 70,000, एडमिशन ऑफ सी ऑन बोनस सिस्टम रिकॉर्डेड। इसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एज कैपिटल, ए की कैपिटल 50,000 थी, 15,000 इसको बोनस मिला तो ये हो गई 65,000। बीस कैपिटल, सिक्सटी थाउजेंड थी, 15,000 इसको बोनस मिला
75,000. C's capital $70,000. ये टोटल करेंगे $210,000 और यहां पर असेट्स भी हम लिख लेंगे। अगर हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर लाजमी है कि यहां पर इस साइड में असेट्स से ही होंगी $210,000। ये बैलेंस शीट थी हमारी जिसमें बोनस मिल रहा है ओल्ड पार्टनर्स को। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोनस न्यू पार्टनर को मिल रहा है, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। सपोज करें कि वही ए की कैपिटल है 50,000, बी कैपिटल है 60,000, सी जो ला रहा है 10,000। कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से एस कैपिटल 50,000, बीस कैपिटल 60,000, सीज इन्वेस्टमेंट 10,000, ये टोटल हो गए 1,20,000। अब इसमें 1/3 जो है सी का है, सी कैपिटल होगी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 40,000। सी कैपिटल कितनी हमने निकाली? 40,000। सी इन्वेस्टमेंट 10,000, सी जो लाया है 10,000 लाया है। अब ये 30,000 बोनस टू सी होगा। अब ये बोनस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ए से ऑफ बोनस, ए जो शेयर देगा बोनस में 30,000 1/2 15,000, बीस शेयर ऑफ बोनस 30,000। अब ये लोग 15,000 अपनी कैपिटल में से देंगे। उसके बाद हम इनकी जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री में
पहले कैश डेबिट होगा 10,000, एस कैपिटल डेबिट 15,000, बीस कैपिटल डेबिट 15,000 और सीज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 40,000. सीज एडमिशन ऑन बोनस सिस्टम रिकॉर्डेड. अब इसकी बैलेंस शीट बनेगी. बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी. एस कैपिटल 50,000 थी, 15,000 इसके बोनस में चले गए, बाकी बचे 35,000. बीस कैपिटल 60,000 थी और इसके 15,000 बोनस भी चले गए, बाकी बचे 45,000. सीज कैपिटल 40,000. इन सब का टोटल हम यहां पर असेस में करके लिखेंगे 1,20,000. दोनों साइडें 1,20,000, 1,20,000 से क्लोज हो जाएगी. ये हमारा बोनस सिस्टम था. बोनस सिस्टम में हम कैपिटल्स को रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं. इसके कुछ सपोज करने के क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है, यह भी कह सकता है कि बोनस सिस्टम, अगर बोनस सिस्टम नहीं कहे, कहें कि ओल्ड पार्टनर्स agreed to reduce their capitals, तो भी हम इसको bonus system कहेंगे, क्योंकि reduction या बढ़ना, capitals का कम होना बोनस सिस्टम में होता है. गुडविल सिस्टम में हम कैपिटल्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, हम कैपिटल्स को रिड्यूस नहीं करते. ठीक है, और भी इसकी कुछ निशानियां हैं जो कि मैं इनके प्रॉब्लम्स में जाकर आपको समझाऊंगा. ठीक है,